वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। प्रीलिम्स के लिए टॉपिक जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन को। तो यहाँ पर ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन का जो पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक? मार्च 2025 तक। तो इसलिए जब ये मिशन जो है वो न्यूज़ में आ जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं साथ में मिशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो ये मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था 2015 में, और याद रखना कि जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस इसका लॉन्चिंग ईयर जो है वो 2015 है। आप अगर इस बार का हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्रीलिम्स का पेपर चेक करोगे तो वहां पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस या मिशंस या स्कीम्स जो लॉन्च किए सरकार ने उसके ईयर बेस्ड जो है वो यहां पर क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ये मिशन जो है वो जब 2015 में लॉन्च किया गया था तो 100 सिटीज को जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट किया है वर्ल्ड नेशन वाइड, जिसमें यहाँ पर जो नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। फोकस जो यहाँ पर किया जा रहा है वो किया जा रहा है स्मार्ट सॉल्यूशंस पर, यानी कि हमने अपनी सिटीज को स्मार्ट सिटीज बनाना है। 100 सिटीज हमने उसके लिए सिलेक्ट कर दी है और स्मार्ट सॉल्यूशंस भी हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें हमारा फोकस है ई गवर्नेंस के ऊपर, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर जो एक मेजर चैलेंज बना हुआ है, एनर्जी मैनेजमेंट हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि हमें जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर एनर्जी को जो है वो प्रमोट करना है, हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करनी है, और हेल्थ फैसिलिटीज के रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेली मेडिसिन की। प्लस साथ में कहा जा रहा है कि अर्बन मोबिलिटी की, जिस तरह से अर्बन एरियाज में जो है वो लोग आते हैं और लोग जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है यहाँ पर जो मैनेजमेंट जो है वो की जाएगी। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।